वेलकम दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल कानून की आवाज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है जो घंटी है उसको जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बात करते हैं, अगर पुलिस FIR ना लिखे तो आपके पास क्या है कानून, क्या है आपके अधिकार, इसे आप जान सकते हैं इस वीडियो में। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर पुलिस FIR ना लिखे या मना कर देती तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या है कानूनी प्रावधान। दोस्तों अगर मान लो उदाहरण के तौर पर कोई भी व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति है, उसके साथ कुछ अनहोनी घटना, उसके साथ मारपीट कुछ हो जाता है, तो वो डायरेक्ट गरीब है तो वो डायरेक्ट पुलिस थाने में जाकर अपनी FIR लिखवा सकता है। ये पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है। अगर पुलिस अधिकारी किसी भी कर्मचारी या कॉन्स्टेबल से उनकी FIR लिखवाएगा, और ये कानून है, अगर मान लो पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करें, थाना अधिकारी, कि आप किस एरिया के रहने वाले हो, किस कहां से आए हो, कहां रहते हो, अगर पुलिस के संबंधित एरिया का भी नहीं हो और घटना उसके साथ कहीं कोई घटना हो जाती है तो वो व्यक्ति कहीं भी अपनी FIR दर्ज करा सकता है, FIR दर्ज करा सकता है, क्योंकि उसे कहते हैं जीरो FIR। कहीं भी व्यक्ति कहीं भी FIR दर्ज करा सकता है, जीरो FIR कहते हैं। उस जीरो FIR को जब जहाँ संबंधित वो व्यक्ति है वहाँ ट्रांसफर FIR को कर दिया जाता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर इस प्रकार की घटना होती है तो संबंधित थानों में ज़्यादातर मामला दर्ज होता है। लेकिन दोस्तों कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जहाँ भी उसके साथ घटना हुई कहीं भी, तो वो कहीं भी अपने थाने में FIR लिखा सकता है, जिसे कहते हैं जीरो FIR। जीरो FIR में व्यक्ति सेक्शन में कई कोई सा भी सेक्शन पे जीरो FIR में दर्ज करा सकता है। मान लो किसी भी व्यक्ति की अगर संबंधित थानाधिकारी FIR दर्ज करने से मना कर देता है तो वो क्या कर सकता है, वो सेक्शन 154(2) में संबंधित SP को शिकायत कर सकता है, मेल कर सकता है। अगर कोई भी इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की कंप्लेन दर्ज नहीं करता है तो वो संबंधित SP को सेक्शन 154(2) में (2) में से संबंधित SP को मेल भेज सकता है या पर्सनल शिकायत कर सकता है। इसी के साथ साथ सेक्शन 2D CRPC 1973 में परिवार या कंप्लेन की शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है। इसमें किसी भी थाने में आप दर्ज करा सकते हैं और करना पड़ेगा इस सेक्शन में। इसके साथ साथ मैं और भी आपको डिटेल से बताऊंगा। मान लो किसी के साथ कुछ घटना घटित हो जाती है मान, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले तो उसको कंप्लेन दर्ज करानी पड़ती है। अगर मान लो कंप्लेन कौन से सेक्शन में होती है आपको बता दूं, सेक्शन 2D CRPC 1973 में आप परिवार कंप्लेन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको संबंधित थाना अधिकारी आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं करता है, सेक्शन 154(2) में आप संबंधित SP से मेल या शिकायत दे सकते हैं या करा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि जो थाना अधिकारी उनसे बाप उनके पास दो रजिस्टर होते हैं शिकायत दर्ज करने के, एक होते हैं कॉन्ग्लिजेंस ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉन्ग्लिजेंस। जो गंभीर प्रकृति के जो मैटर थे वो अलग रजिस्टर में दर्ज होते हैं, जो सामान्य जो नॉन कॉन्ग्लिजेंस जो सामान्य प्रकृति जो जमानती है वो अलग रजिस्टर में थे, जो उससे कहते हैं NCR रजिस्टर। इसमें दर्ज
की जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी FIR दर्ज होने के बाद आपको एक OTP भी दी जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उनको ये बता सकते कि सेक्शन 154 में FIR फिर दिए जाने की सुविधा है। ये कानून बना हुआ है, हम नहीं कह रहे कि कानून से संबंधित बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर इस प्रकार मान लो कोई भी थानाधिकारी आपको कॉपी देने से मना करता है तो आप उनको इस सेक्शन के हिसाब से बता सकते हैं कि सेक्शन में लिखा है कि आप परिवादी को एक कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद कि कोई भी व्यक्ति अगर संबंधित थाने में कोई क्राइम नहीं हुआ, उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, तो वो कोई से भी थाने में वो FIR दर्ज करा दे, जिसे कहते हैं 0 FIR, वो 0 FIR में दर्ज होकर और जो उसका संबंधित थाना पड़ता है वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर इस प्रकार की शिकायत मान लो कोई भी पुलिस अधिकारी अगर उनकी शिकायत दर्ज नहीं करते हैं तो वो सेक्शन 154 में SP से शिकायत या मेल कर सकता है। इसी के साथ साथ उनके दो रजिस्टर होते हैं थाने में, एक होता है कॉन्ग्लिजेंस ऑफेंस गंभीर प्रकृति के जो मैटर होते हैं उनके लिए होता है, एक सिंपल सामान्य जो घटना होती है वो अलग रजिस्टर होते हैं, जिसे हम कहते हैं NCR रजिस्टर। NCR रजिस्टर होता है, उसमें हर व्यक्ति की कंप्लेन दर्ज की जाती है, हर व्यक्ति की उसमें डिटेल होती है कब किस व्यक्ति ने कंप्लेन दर्ज कराई। इसलिए दोस्तों अगर आप कभी भी इस प्रकार का काम पड़े, इस प्रकार की शिकायत आपके साथ कोई मारपीट हो, तो आप प्लीज़ आप थोड़ा जागरूक बने और अपनी शिकायत इस तरह से पेश रखें जिससे कोई भी अधिकारी आपको शिकायत या पुलिस FIR लेने से मना नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर